कि डायरेक्ट भगवान की सेवा करो। धृत रतासी, तुम धृत रत मतलब व्रत में लग जाओ। ऐसे आमतौर पर आप देखेंगे कि स्त्रियों को व्रत में पहले से बड़ी रुचि होती है, इतना डिटरमाइन पुरुष लोग नहीं होते हैं जितना स्त्रियां होती हैं। कितना व्रत करा लो, कई एक व्रत करने लगती है, हालांकि अज्ञान में करनी है, बहुत सारे व्रतों को करने की जरूरत नहीं होती, मगर उनको केवल थोड़ा डायरेक्शन की जरूरत होती है। इस मामले में माताएं लोग ज्यादा स्ट्रांग होती हैं पुरुषों से, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। हम लोग सुबह में यही देख रहे थे कि ये पुरुष लोग आए थे, तो कुछ लोग आए थे कृपा करके आए थे और बिना नहाए हुए बस चलो आ गए, मतलब नहाना उनके लिए इतना कष्टदायक हो गया। वो आए, मैं इसकी प्रशंसा कर रहा हूँ, ये मत मानिएगा कि अब कल आए ना कि अरे बाबा वो तो भरी सभा में बोल देगा। मगर इसमें देखा जाता है कि नियम व्रत करने में स्त्रियां जो होती हैं वो पुरुषों से कई गुना ज्यादा तेज होती हैं। उनका डिटर्मिनेशन, धन के प्रति रुचि, प्रेम पुरुषों से कई गुना ज्यादा होता है। तो धृत व्रतासी भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण हो, धृत व्रत रहो। दमेन नियमेन च, कुछ करना होता है, कुछ चीज से बचना होता है, कह रहे तप करो, तप द्रवेण दान ही छ, और घर में जो सब रुपया पैसा है ना, तो कर्दमुनि बोले मैं तो संन्यास ले रहा हूँ, थोड़ा सा दान देना भी सीखो। दान देने से क्या है कि उस रुपया पैसे में आसक्ति चली जाएगी। तप द्रवेण दान ही छ और श्रद्धा च ईश्वरम बजाओ, और श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा में लग जाओ। भगवान की सेवा करो, डायरेक्ट एकदम भगवान की सेवा में लग जाओ। तो सह त्वया आराधिता शुक्र, वो भगवान शुक्र जो है, भगवान सत्ययुग में कर्दमुनि को जब दर्शन दिए थे तो सफेद रंग के भगवान थे, शुक्र वर्ण के थे। कह रहे वो भगवान जो है तुम्हारी आराधना से प्रसन्न होके तुम्हारे पुत्र के रूप में आएंगे। वितन्वन मामकम यश, और वो मेरे यश का विस्तार करेंगे। क्यों? क्योंकि कलयुग में दो कपिल हो जाएंगे, एक नास्तिक कपिल कपिल हो जाएंगे। तो नास्तिक कपिल एक हो जाने से तो और ज्यादा यश कर्दम और देवहूति का बढ़ गया। पहले लोग ऐसे ही बोलते थे भगवान कपिल, मगर जब से नास्तिक कपिल हुए तब से एकदम स्पेसिफाई करना पड़ता है, देवहूति पुत्र कपिल, कर्दम मुनि के पुत्र कपिल, भागवत में जिन्होंने सांख्य का उपदेश दिया वो वाले कपिल, वो नास्तिक कपिल नहीं है, ये वाले कपिल। तो कह रहे हैं कि भगवान आपके वितन्वन मामकम यश, मेरे यश को फैलाएंगे। और चेतातः हृदय ग्रंथि, ये जो तुम्हारे हृदय की गांठ है, ग्रंथि है, भौतिक आसक्ति है, इसका मैं तुमको ज्ञान देके उपदेश नहीं करूंगा, मेरा बेटा कपिल भगवान वो तुम्हारी इस हृदय ग्रंथि को काटेंगे, छेता उसको काट देंगे। क्योंकि वास्तव में भगवान ही काटते हैं, एक एक गांठ है, हम सबको एक गांठ बंधी हुई है। बोलेंगे नहीं, बाहर से तो कोई गांठ नहीं है, कोई गांठ है? कोई गांठ नहीं है, एक गांठ यहाँ पर है, हृदय के भीतर भीतर गांठ है। जैसे उस दिन बता रहे ना वो कपड़े सुखाने की चिमटी है ना, एक एक छोड़ देगा तो दूसरा पकड़ा, दूसरा छोड़ देगा तो एक गांठ पड़ी हुई है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ज्ञान से ये गांठ जो है ढीली तो पड़ जाती है पर खुलती नहीं है। तो ज्ञान हो जाए, अगर किसी को ज्ञान हो जाता है कि भौतिक आसक्ति क्या होती है, संसार में बंधन क्या होता है, क्या ये सब ज्ञान हो जाने से व्यक्ति की वो गांठ थोड़ी सी खुल जाती है, ढीली पड़ जाती है, मगर गांठ खुलती है भगवान का भजन करने से। जब कोई व्यक्ति भगवान को शरणागत होता है, माँ में भी प्रपद्यन्ते मायाम एतम तरन्ति ते, भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि देवी हयश गुणमयी मम माया दुरतया, मेरी ये जो माया है इसको पार करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, जितना प्रयास करोगे इससे निकलने का उतना और फंस जाओगे, मगर माम एव प्रपद्यन्ते, मेरे को शरणागत होने से ही, एव यानी ही, एक ही तरीका है, दो तरीके नहीं है, रास्ता एक ही है कि मेरे को शरणागत, मेरे को नहीं भगवान को, माम एव प्रपद्यन्ते, मेरे को शरणागत होने से।